पेशावर जलमी की बात करने का वक्त आ चुका है। पेशावर जलमी ने अपनी रिटेंशन की लिस्ट जारी कर दी है, देखते हैं कि कितनी रेटिंग मिलती है हमारे एक्सपर्ट से। साकिब भाई, हसीब कौन शुरू करेगा? हसीब मैं करता हूँ यार शुरू। जलमी अगेन आई थिंक अगर ये कहा जाए कि वन ऑफ द फेवरेट और क्राउड मास क्राउड फेवरेट टीम अगर कही जाए पीएसएल की तो गलत नहीं होगा। लाहौर कलंदर के साथ साथ जलमी की भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। उन्होंने आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द टी आई थिंक द ओनली टीम अगर साकिब मुझे कीप मी ऑनेस्ट है, लेकिन ये वाहिद टीम है जिसने अपना पूरा प्लैटिनम का कोटा जो है ना वो पूरा फिल कर दिया है। फुल कर दिया है क्योंकि इनके पास अगेन हमने पहले भी बात की थी, बाई डिफॉल्ट हसन अली और वहाब रियाज दो प्लैटिनम के प्लेयर्स हैं तो दे गोना गो विद देम रिगार्डलेस। वो तो क्योंकि दे आर देयर टॉप परफॉर्मर्स तो वो दोनों तो रिटेन हुए ही हैं प्लैटिनम में। दूसरा जो थर्ड वन इज वेस्ट इंडीज के ओडीआई के करंट कैप्टन किरण पोलार्ड, तो वो उन्होंने उनको रिटेन किया है टीम में। एक्सपेक्टेड था, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि आई थिंक दे विल कंटिन्यू विद हिम। गोल्ड में अगेन दे डिड द सेम थिंग जो इन्होंने लास्ट सीजन में किया था, कामरान अकमल को एज ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बरकरार रखा है और उनको गोल्ड में रिटेन किया है। अगेन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, कुछ भी आपको इसके बारे में दूसरी सोच रखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ही इज़ बिन देयर टॉप परफॉर्मर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन ऑल ऑफ द सीजन्स, सो दे विल कंटिन्यू विद देम। अगेन अनदर ऑटोमेटिक पिक एंड द फेस ऑफ जलमी देयर मेंटर, इनको भी अगेन रेलिकेट करके मेंटर बनाया है, गोल्ड में लेके गए हैं। पिछली दफा नहीं बनाया था तो इस दफा इंटेलिजेंट मूव शायद इनको, इसका मतलब पिछली दफा पता ही नहीं था, समझ आ गया। पिछली दफा मेरे ख्याल में कई फ्रेंचाइजेस को पता भी नहीं था, जैसे लाहौर ने बाद में बनाया था शाहीन अफरीदी को, हालांकि वो रूल ये है कि आपने पहले बनाना रिटेंशन के वक्त बनाना, तो मेरे ख्याल में कई इंटेलिजेंट टीम्स उनको तो पता था, इन्होंने बाद में कोई रोलर रप्पा डाल के ना, लाहौर ने तो बना लिया था। अगर इन्होंने को मेंटर नहीं बनाया था डैरन सैमी को लास्ट टाइम, तो एनीवेज डैरन सैमी इनको गोल्ड में रिटेन किया हुआ है। अगेन एक्सपेक्टेड, कोई सरप्राइज नहीं वहाँ पे। फिर इन्होंने रेलीगेट किया था, रेलीगेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई थी इमाम की, उसको गोल्ड में इन्होंने रिटेन किया है। अगेन लॉजिकल चॉइस, लास्ट टाइम इमाम ने अच्छे प्लेटफॉर्म इनको दिया था जिसके ऊपर जिसकी बेसिस पे आगे हाँ प्लेटफॉर्म दे रहा था और जिसकी बेसिस पे आगे जाके सैमी और पोलार्ड ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स बनाई थी और मैचेस जीते थे, तो आई थिंक लॉजिकल चॉइस, कंटिन्यू विद हिम, दैट्स फाइन। द अदर वन इन सिल्वर दे रिटेन वाज उमर अमीन, नहीं आई गेस ये भी रेलीगेट हुआ गोल्ड से, और आई एम सरप्राइज्ड कि किसी और टीम ने पिक नहीं किया इसको, कि ठीक है उमर अमीन तो मान गया कि मुझे सिल्वर में डाल दो, मगर दूसरी टीम्स के पास तो चॉइस है उमर अमीन को डालने की, स्पेशली इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है लेकिन आपको गोल्ड में, और उमर अमीन अब आजकल फॉर्म में भी है, नेशनल T20 में सेकंड नंबर पे है, राइट। वन ऑफ द रीजन व्हाई जो मेरा ख्याल है कि टीमों ने नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम्स का अगर आप गोल्ड का देखें तो उन्होंने एक एक स्लॉट खाली छोड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, तो कईयों ने इसलिए खाली छोड़ा हुआ ताकि दे कैन गो फॉर सम इंटरनेशनल प्लेयर्स, और जो लोग जो है डायमंड में सेलेक्ट नहीं होते तो वो उनको गोल्ड में, कराची ने दो छोड़े हुए अपने ओपन, कराची ने दो छोड़े हुए, बट अगेन दे आर लुकिंग फॉर मे बी दे आर लुकिंग फॉर समवन एल्स, उनके पास ऑलरेडी बाबर आजम है तो उमर अमीन की नहीं, मगर उन्होंने जब उसको निकाल दिया है जिसकी बात कर रहे थे हम, जो टॉप नहीं नेशनल T20 अवैज़िया को जब निकाला है तो इसको पकड़ने का बड़ा नादिर मौका था। अवैज़िया अगेन दोनों डिफरेंट किस्म के प्लेयर हैं, वो अवैज़िया इज फ्लैम्बोयंट एग्रेसिव है, उमर अमीन फ्लैम्बोयंट उसमें हां वो मारने छक्के चौके मारने में, अरे मैं स्टाइल की बात नहीं कर रहा, मैं प्लेइंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ, लुक्स की बात नहीं कर रहा। साकिब भाई जो है ना, साकिब भाई कहीं और ही किसी और टेंशन पे जो है आजकल सोच रहे हैं। अच्छा मैंने नोट किया, जब हम शाम में शो करते हैं हसीब की आवाज़ बहुत धीमी होती है, जब हम संडे की दोपहर में शो करते हैं हसीब की आवाज़ लाउड होती है, आपने नोट किया? अच्छा। की एनर्जी जो है ना बहुत शाम में जो है ना वो खाना खाया या नहीं होती है? खाना खा लिया है, लेकिन इस वक्त जो है बस तो मैं आपको चाय पिलाता हूँ इसके बाद, वीकडे है और साकिब भाई ने काम पे लगाया हुआ तो जाहिर सी बात है जैसे जितनी देर में फाइल्स कॉपी होंगी मैं चाय बनाऊंगा। अच्छा हम वीकडे मैच शो कर रहे हैं मंडे के दिन, उसकी वजह सिर्फ ये है कि साकिब भाई फिर जो है पार्टी करने चले गए थे वीकेंड पे, जो है वो दो रात की पार्टी पे गए थे साकिब भाई, और ये बहुत ही पार्टी एनिमल बन चुके हैं, हम क्या करें, उन लोगों को वीकडे में शो करना पड़ता है। तो अगेन इनकी नोटिसेबल ओमिशन की बात कर लेते हैं, जहां तक नोटिसेबल ओमिशन की बात है तो दे हैव गॉटन सबसे बड़ी मैं बता देता हूं यार, डेविड नो डेविड मलन से भी बड़ी है लियम डॉसन,
लियाम डॉसन ने यार इनको काफी मैचेस पिछले साल तो जितवाए थे, एक मैच तो बड़ा हारा हुआ था आखिरी मैच, मगर उसने वो बैटिंग इनकी तरफ से हमेशा अच्छी करता है, नीचे से आके काफी फंसे हुए मैचेस पे जाता है, मगर चूंकि अब आपने 8 रिटेन करने हैं और आई गेस वो चला भी डायमंड में गया हुआ है। मैं उससे वैसे ज्यादा सरप्राइज्ड और शॉक नहीं हुआ, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई सेड इन आवर लास्ट शो के रिटेन किया तो ठीक है, नहीं भी किया तो इट्स नॉट गोना बी द एंड ऑफ वर्ल्ड। इन्होंने जो कहा आई थिंक द रीजन व्हाई दे डिडंट, इन्होंने दो स्पेसेस रखी हुई हैं डायमंड में। जॉर्डन बड़े अरसे से खेल रहा था इनके साथ, जी जॉर्डन की बात कर रहा हूँ और डेविड मिलान की बात करूँ, डेविड मिलान की तो फॉर्म भी बड़ी अच्छी लगी हुई है इंटरनेशनल में, तो मुझे ये अब थोड़ा सा उसका आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी, स्पेशली जब इनके पास 7 प्लेयर उन्होंने सिर्फ रिटेन किए, एक और रिटेन कर सकते थे, तो आई थॉट के डेविड इन्होंने डायमंड का चूंकि सिर्फ एक ही है तो समझ नहीं लगी कि इन्होंने डेविड मिलान को क्यों नहीं लिया इन्होंने, क्योंकि डेविड मिलान टॉप फॉर्म में आ चुका है। अब वही बिल्कुल हमें ग्राउंड रियलिटीज नहीं पता, देख लेंगे जब ड्राफ्ट होगा फिर पता चलेगा, ड्राफ्ट के बाद एक असल पिक्चर सामने। बात ये कि हम लोग समझ रहे हैं कि सारे प्लेयर फुली अवेलेबल हैं इस टाइम पे राइट, मगर इन लोगों को हमसे ज्यादा पता होता है कि यार कौन सा प्लेयर कितने मैचेस खेल सकता है, प्लेयर की क्या प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कमिटमेंट इश्यूज हो, हो सकता है इंग्लैंड टीम के कमिटमेंट्स हो उस टाइम पे, तो और नाउ ही इज आई थिंक ही इज इज पार्ट ऑफ देयर टी20 सेटअप, या कहीं तो होता है कि इंग्लैंड की कमिटमेंट नहीं भी है ना तो वो लायंस की तरफ से इनकी होती है, इंग्लैंड लायंस के टूर्स होते हैं, जिस तरह सैम बिलिंग पिछले साल ड्राफ्ट में था मगर किसी ने पिक नहीं किया क्योंकि उसको ड्राफ्ट से बहुत पहले उसका नाम इंग्लैंड लायंस में आ गया था, तो बहुत से इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं जो कि अपने उसमें भी चले। आई गेस ये इंग्लैंड ए वाले अपने आप को लायंस कहते हैं ना, यही है ना जी। तो बस चले आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 आई गेस इनकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिटेंशन हैं, इन्होंने काफी अपनी पिक्स ओपन रखी हैं, बल्कि इन्होंने सरप्राइज किया है, तो इनका थिंक टैंक क्या है वो मेरे ख्याल में मोहम्मद अकरम है एक तरफ, ठीक है वो अर्शद खान वो जो टैक्सी चलाते थे वो भी इनके पास आए हुए हैं आजकल, और तीसरा इनका इनके पास तो कोई बड़ा नाम इस तरह का थिंक टैंक भी नहीं है, यूनस थे ना, यूनस खान इनका मेंटोर है, ठीक है तो अब तो मेंटोर भी उन्होंने उसको डैरन सैमी को बना लिया, और आई गेस डैरन सैमी की वजह से ही पोलार्ड को उसने रिटेन किया होगा क्योंकि पोलार्ड ने इनको काफी मैचेस जितवाए थे, और आई गेस पाकिस्तान के ग्राउंड बहुत दे विल बी स्मॉल एनफ फॉर पोलार्ड। आउट ऑफ 10 यार आई वुड गिव, आई स्टिल थिंक डेविड मिलान शुड हैव बीन देयर, तो आई वुड गिव देम 8। चलो जी साकिब भाई के 10 आउट 9 आउट ऑफ 10 हसीब ने दिए हैं 8 आउट ऑफ 10 जलमी को, देखते हैं कि ड्राफ्ट के बाद जो है ये रेटिंग जो है बदलती है, बेहतर होती है या फिर यही रहती है। थैंक यू वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।